हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज का ये आखिरी सेशन है, आखिरी क्लास है, तो इसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ एक या दो स्टॉक्स या उससे ज़्यादा अगर किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए होंगे जो आप, जिसपे आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं, एक पोजिशन बना सकते हैं। तो चलिए हम आपके स्टॉक्स ही देख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके सारे स्टॉक्स देखने के बाद फिर अगर कोई प्रश्न होंगे तो प्रश्न भी ले लेंगे और फिर कक्षा को खत्म करेंगे। तो कौन स्टॉक देना चाहेगा सबसे पहले, बोलिए निखिल। तो मैंने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं, 2 स्टॉक्स तो उसमें से ऐसे हैं जहां पे हम स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक अच्छी कैंडल का। अच्छा, मतलब आज के लिए अच्छी कैंडल नहीं है वहां पे, लेकिन पॉसिबल है कि अगर एक दो दिन में अच्छी कैंडल आ जाती है तो हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं वहां पे। और एक स्टॉक मेरे को ऐसा लगता है कि, मतलब वैसे तो आपने मना किया था कि शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें शॉर्ट हो सकता है क्योंकि उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है सीधा और काफी अच्छा मेरे को वो लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ना कि हम मैं अपनी पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप स्टॉक्स बताइए और वो स्टॉक्स देख लेते हैं, शॉर्ट वाला भी देख, कैंडिडेट देख लेंगे सीखने के लिए। तो मतलब शॉर्ट नहीं, अभी शुरू में आप शॉर्ट मत करिएगा, पर सीखने के लिए कि तो शॉर्ट का करें या लॉन्ग का करें, तो सीखना तो बराबर है। तो चलिए बताइए क्या नाम है सबसे पहले। तो L&T काफी बड़ा स्टॉक है, LT। तो इसमें डेली चार्ट में मैं देख रहा था, आप भी देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे मेरे को बनता हुआ लग रहा है। अच्छा, तो बढ़िया है। तो इसमें बन तो रहा है, परंतु इसमें क्या है कि बना नहीं है पूरा। हाँ, जब तक पूरा नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो शॉर्ट ट्रेड लेने में ये थोड़ा सा यही जोखिम रहता है। तो मैं एक मिनट पहले क्या करता हूँ, पहले इसको मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट अगर देखते हैं हम इसका, तो ये एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। इसकी मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं एक बारी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लें वो अच्छी बात नहीं है। जैसे हम लॉन्ग पोजीशन के लिए बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक हो तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, वैसे ये यहाँ पे रिस्की हो जाता है। तो जब तक पूरा कोई पैटर्न ना बने तब तक हम नहीं लें तो अच्छा है। अच्छा, अब अगर हम इसको साप्ताहिक चार्ट पे देखें तो भी बढ़िया वीकली अप ट्रेंड ही लग रहा है। तो ये रेखा हटा देते हैं और यहाँ पे जो हमको आशीष आ गए, मैं एडमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर की तरफ कंजेशन लग रही है, तो कंजेशन को मैं मार्क कर देता हूँ, ये कंजेशन लग रही है। तो हो सकता है ये रिवर्सल हो, आगे आने वाले समय में स्टॉक नीचे गिर जाए, वो हो सकता है। परंतु अगर हमको रिवर्सल देखना है तो साप्ताहिक चार्ट पर रिवर्सल देखें, साप्ताहिक चार्ट पर देखें कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी साप्ताहिक चार्ट पे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं और दैनिक चार्ट पे वो पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है, अच्छी तरह दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर्स है। या तो इसमें अगर हम इसकी नेकलाइन बनाना चाहें तो आज का जो भाव बंद हुआ है वहीं पे इसकी नेकलाइन है, तो ये नेकलाइन है समझ लीजिए। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक मैं इसमें ये ऑन कर देता हूं, तो ये एक शोल्डर है, मतलब ये एक हम्प है, फिर ये हेड है जो पता लग रहा है और ये दूसरा शोल्डर है। परंतु इसमें मुश्किल यही है कि नेक लाइन के नीचे अभी भाव नहीं गया है, तो अभी तक पूरा वो हुआ नहीं है। एज आई सेड कि जितने भी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक
उनमें हमको फाइनल कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर पैटर्न तो है मेरे पास, हाँ लेकिन कैंडल अभी नहीं है। हाँ तो अगर हम वेट करते हैं, हो सकता है कल परसों तो खैर बाजार बंद है, आज शुक्रवार का दिन है, तो मतलब सोमवार को, मंगलवार को, या कभी भी आगे 3-4 दिनों में अगर ये पूरा होता है। कई बार क्या होता है कि जो पैटर्न है, मतलब ये एक शोल्डर बना, फिर एक दूसरा शोल्डर बनता है, फिर उसके बाद भाव नीचे आता है, तो ये भी हो सकता है। तो हमको जब इंतजार करना है जब तक वो पूरा बन ना जाए। तो अगर आज की कैंडल देखें तो आज की कैंडल तो खराब है, करीब करीब 3% की कैंडल है, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, रेड कैंडल है, पूरी प्रॉपर रेड कैंडल है, तो अच्छी बेरिश कैंडल है ये। तो हमको हाँ इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ये भाव यहां से टकरा के ऊपर जाए, फिर नीचे आए, और फिर ये पूरा नहीं बने, यहां नीचे नहीं जाए, नीचे जाने के बजाय ये फिर ऊपर चला जाए। अगर नीचे जाने के बजाय ये ऊपर चला जाएगा तो ये एक ड्यूअल डिप डिलाइट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल उल्टी चीज हो जाएगी। तो हमको इस पे इंतजार ही करना और कुछ नहीं करना, तो दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। तो चलिए अच्छा है, मतलब एक मतलब पैटर्न समझ में आ रहा है, दिख रहा है पैटर्न है, तो अच्छी बात है। चलिए और बताइए। हाँ नेक्स्ट जो मैंने आइडेंटिफाई किया है ये है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ आपको, FSL। हाँ वो पता लग जाएगा, फर्स्ट सोर्स आईटी कंपनी है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये हाँ जी, तो इसमें इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये इनवर्स, पुल। हाँ, हाँ, और आगे क्या बोल रहे थे आप? और इसमें पुल बैक मेरे को लग रहा था कि हो सकता है। हाँ बढ़िया, ये बिल्कुल अच्छा, ये तो अच्छा आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए इसको, इसका मासिक चार्ट देख लेते हैं जल्दी से। मासिक चार्ट में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया और उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड आ गया, तो ये बढ़िया है, इसको डिलीट कर देते हैं। साप्ताहिक चार्ट देखते हैं जल्दी से। साप्ताहिक चार्ट में हमको दिख ही रहा है कि ये बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है, और इसको अगर हम देखें तो ये हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो बन रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है इसमें, तो वीकली चार्ट पे भी बढ़िया चल रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंजेशन बनी और वो कंजेशन का ब्रेकआउट हुआ। इसमें ना एक काम और करते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हम साप्ताहिक चार्ट खोला हुआ है, तो ये पुराना ऑल टाइम हाई है, तो इस पे एक रेखा लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई पे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, फिर एक रेखा यहाँ पे ये भी लगा देते हैं, ये सिर्फ पुराना वाला है। तो अगर ये हम साप्ताहिक चार्ट पे देखें तो हमको एक बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स दिखाई देगा। तो ये एक शोल्डर है, एक वैली है, ये कैनियन है, और ये दूसरी वैली है, दूसरा शोल्डर है छोटा वाला। तो अगर इस तरीके से देखा जाए इसको, ब्रेकआउट इस वाले का होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि अब ये पूरा हो गया है और ये अब ऊपर जाएगा। परंतु उसमें भी एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई जो होती है वो बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस होती है, जब तक ऑल टाइम हाई नहीं टूटता तो मतलब नहीं टूटता, और वो कई बार ऐसा होता है कि ऑल टाइम हाई तक जाता है भाव और फिर नीचे गिर जाता है, फिर दोबारा जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, तो ऑल टाइम हाई एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस होती है। तो ऑल टाइम हाई पे किस आसपास कभी भी ट्रेड ना करें। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे हमको, अगर हम ऑल टाइम हाई को भूल भी जाएं तो ये एक साप्ताहिक चार्ट पे वैली एंड कैनियन बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और ये अभी पूरा बना नहीं है,
चलिए कोई बात नहीं, हम दैनिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो हम दैनिक चार्ट पे अब हम क्या कर बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे छोटा इनवर्स हैंड एंड शोल्डर बन रहा है, बन रहा है क्या, बन चुका है, पुल बैक हो सकता है उसमें जो अभी है हाल फिलहाल में नेक लाइन पे पुल बैक हो सकता है। हाँ देख लेते हैं। तो अब बिल्कुल बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन है, ये बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे एक हम नेकलाइन बना देते हैं, ये नेकलाइन बनी, ये एक शोल्डर बना, फिर ये हेड बना, फिर ये दूसरा शोल्डर बना और ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। तो जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उस दिन एक बहुत ही लंबी कैंडल बनी, 7% की कैंडल बनी, उसकी विक थोड़ी सी ज्यादा थी परंतु इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। पर उसके बाद उसके 4-5 दिन बाद ये वापस नेकलाइन पे आ गया, तो यह पुल बैक भी हो गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो अगर जब पुल बैक हो जाता है तो एक तरीका तो यह है कि पुल बैक हो गया तो यहीं पे ले लो, क्योंकि ये पूरा पैटर्न बन चुका है तो हम यहीं पे ले लें। परंतु इसमें वही दिक्कत यह है कि ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस किसकी है, बड़े वाले इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहां पे भी लें, मान लेते हैं कि अगर हम सोमवार को जाएं और सुबह सुबह ले लें इसको, और सोमवार को जाएं सुबह सुबह ले लें, तो हमको 208 रुपए पे ये मिल जाएगा। तो अब हमारा सीसी पॉइंट क्या होगा, वो इस कैंडल का लो होगा, ये बड़ी वाली कैंडल का लो होगा। तो ये है लो 200 रुपए, तो उससे थोड़ा सा कम मान लेते हैं 199 रुपए पे लो है, 199 रुपए पे सीसी पॉइंट है, मैं यहां लिख देता हूं। तो सीसी पॉइंट है 199 और हमारा बीपी मान लेते हैं 208 रुपए और टारगेट देख लेते हैं। तो टारगेट ये वाला हो जाएगा, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जाना थोड़ा सा हो भी सकता है चला जाए, नहीं भी हो सकता ना जाए, तो मान लेते हैं अभी तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस ही है 221। अगर वैसे टारगेट देखा जाए, पैटर्न के हिसाब से टारगेट देखा जाए, तो इसके ऊपर जाएगा वो, थोड़ा जोखिम तो है। अगर वो दूसरा टारगेट निकालते हैं तो ये हम मान लेते हैं टीपी 1 है, टारगेट प्राइस 1, और एक टीपी 2 भी निकाल लेते हैं। तो टीपी 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी डेप्थ ले लेते हैं, तो इसकी डेप्थ ले लेते हैं यहां से यहां तक, तो ये करीब करीब 27 रुपए की है, और 27 रुपए को हम यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं, तो ये कहीं ऊपर आ जाएगा, तो 27 रुपए ही मान लेते हैं। तो 208 प्लस 27 ये हो जाएगा 255। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूँ, अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। नहीं, गलत बोल गया मैं, 27 रुपए था, 235 यही आएगा ना। तो ये एक दूसरा टारगेट हो गया। तो अब देखा जाए तो हमारा जोखिम कितना है, जोखिम है हमारा 9 रुपए का, 208 माइनस 199 9 रुपए का जोखिम है। और अगर पहला टारगेट देखा जाए तो हमारे को करीब करीब 13 रुपए का लाभ है, हमारा रिवॉर्ड 13 रुपए का है, तो एक अच्छा ट्रेड नहीं है उस हिसाब से। अगर हम टीपी 2 भी मान के चलें तो हमारा जो है 27 रुपए का लाभ है, तो 27 डिवाइडेड बाई 9 करें तो ये 1:3 का है। तो अगर हम ये थोड़ा सा जोखिम ले लें कि अब अभी हम ले लेते हैं, हम और एक ग्रीन कैंडल की वेट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, तो वो तो नहीं लिया जा सकता। हम अभी ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, जो 25 अप्रैल की ग्रीन कैंडल है, ये काम करेगी, ये बढ़िया कैंडल बनी हुई है, तो इसके नीचे भाव नहीं जाएगा, तो वो उतना जोखिम हम ले लेते हैं। और ये मान के चलते हैं
कि ये वाला जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ये वाला ये पूरा होगा 27 रुपए तक ऊपर भाव जाएगा कम से कम। अगर वो 27 रुपए तक ऊपर गया, एक बार ये फिर से साप्ताहिक चार्ट खोल लेते हैं, 27 रुपए ऊपर गया तो ये कहीं यहां पे आ जाएगा 235 यहां पे आ जाएगा, जो ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में है। तो हम मान के चलते हैं कि ऑल टाइम हाई के तक आ जाएगा और हम वहां पे निकल जाएंगे, तो ये कर सकते हैं। थोड़ा सा जोखिम ज्यादा है परंतु किया जा सकता है ये, और ये इसमें हम ग्रीन कैंडल की वेट नहीं करेंगे, सोमवार को ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ये निकाल सकते हैं कि जिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में शोल्डर्स थोड़े छोटे हों और हेड ज्यादा डीप हो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर हम टीपी उस हिसाब से रखेंगे अपना। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये बढ़िया, ये भी अच्छा आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने। अच्छा, और एक एक स्टॉक आप बोल रहे थे किया था। हाँ जी, मैंने भी ये एफएसएल निकाला था। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो दो लोगों ने निकाला और दोनों ने एक अच्छा पैटर्न, मतलब पैटर्न आपको समझ में आ गए, तो पैटर्न देख के समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेड लेना तो अलग चीज है, तो एक बार ये पैटर्न देखने समझ में आ जाएंगे तो ट्रेड भी लिए जाएंगे। आप एक बार वीकली चार्ट पे जाइए इसके। अच्छा चलिए, वीकली चार्ट पे चले गए। एक तो ये हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें ये कैसे देखें, आप मुझे परमिशन देंगे क्या? परमिशन कैसे दें? परमिशन कैसे देते हैं? आई थिंक एनोटेशन आप अगर उनको बना दोगे ना, मेरे को डेट बताओ। अच्छा, कोहोस्ट बनाओ। हाँ, मे बी वो आपने डाला था ना, ये लाइन आई थी डॉटेड, ये जहाँ पे सीसी पॉइंट ये लिखा है ना, आपने इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाइए, यहाँ पे। हाँ, बस ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ये फ्लैग फॉर्मेशन नहीं बन रहा है बड़ा सा? हाँ बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ये तो। इसमें अगर आप देखेंगे तो वही है, जब नीचे पे नीचे ब्रेकआउट हुआ, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक रेखा बना देते हैं हम, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये आप इसको या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, ये शोल्डर है दूसरा वाला और ये ब्रेकआउट हुआ, या फिर इसको आप जनरली बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये नीचे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो किसी भी तरह से आप देख लीजिए, तो ये जो पहली कैंडल बनी, ये बनी 8 मई 2023 को, ये साप्ताहिक कैंडल है, तो जो सप्ताह 8 मई 2023 को जिसकी शुरुआत हुई थी, जो उस दिन का शुरुआत कह रहा हूँ, हाँ जिस दिन 8 मई की शुरुआत हुई थी जिस सप्ताह की, वो वाली कैंडल है ये, तो ये ब्रेकआउट हुई, आपने यहां पे ले लिया, यहाँ पे ये करीब करीब 15% की कैंडल है, पर ये पोजिशनल ट्रेड के लिए बड़ी अच्छी रहती है। अगर नीचे की तरफ अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न मिल जाए और कैंडल ऊपर अच्छी स्ट्रांग कैंडल हो और वॉल्यूम अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आप ले लीजिए। थोड़ा सा आपको लगेगा ये 15% की कैंडल है, मेरा जो रिस्क है वो 15% का है, वो तो होगा, परंतु उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे एक फ्लैग ये बना, मैं बना देता हूं, एक फ्लैग ये बना, फिर दूसरा बना, फिर ये तो हमारा पूरा वैसे ही प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है, तो इसको मैं नहीं बनाता अब, तो दो फ्लैग तो हमारे बन ही रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़िया है ये भी। अगर हम ये वाली स्लैंटिंग लाइन डालें, ये यहाँ से जहां से आपने ये वाला दूसरा वाला एरो डाला है, इसके ऊपर अगर स्लैंटिंग लाइन ऐसे डालेंगे, अच्छा बना तो, ये वाली लाइन, नहीं इसके, ये वाला, ये इसका पोल जैसा नहीं, टिल्टेड फ्लैग बन जाएगा ये। अच्छा ये, नीचे की तरफ आप बोल रहे हो लाइन? हाँ, नीचे की तरफ झुका हुआ ये,
नहीं ये तो बन ही गया है, इसके ऊपर भी अगर हम पोल का थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ नीचे साइड में अगर माने ऐसे इस टाइप से तो कैसे बताऊं। अच्छा मेरे को समझ नहीं आ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप कोहोस्ट बना सकते हो और कोहोस्ट बनाने के बाद वो एनोटेशन टूल यूज कर सकते हैं। आपने मेरे ख्याल से मेरे को बनाया हुआ है कि कोहोस्ट मैंने मैं बना के कोहोस्ट तो बना सकता हूं, मेरे को पता है कोहोस्ट कैसे। वेट अ मिनट नहीं नहीं मैं एक चीज देखना, मैं कुछ पेंसिल से लिखता हूं यहां पे, अपना नाम लिखता हूं, आपको दिख रहा है तुमको? हाँ, आपको दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, ये निखिल लिखा है मैंने। हाँ 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 तो ये आप एक काम कीजिए, अपनी स्क्रीन फुल कीजिए, है ना। मैं कोहोस्ट बना दूं अनुराधा को? नहीं 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 बनाने की जरूरत नहीं, वैसे भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। अनुराधा आप अपनी स्क्रीन फुल करके ना, एक नीचे अगर आप कर्सर लेके आएंगे एक पेंसिल दिखाई दे रही होगी, दिख रही है नीचे लेफ्ट साइड में? एक मिनट मैं इसको फुल कैसे करूं? फुल अच्छा। इसको डबल स्क्रीन डबल टैप कर दीजिए, दिख रही है पेंसिल? दिख रही है नीचे? आप उस पेंसिल को सिलेक्ट कीजिए। अभी फुल तो हुई नहीं मेरी, ये तो स्क्रीन ही दिख रही है। पेंसिल दिख रही है? पेंसिल अगर फुल भी ना भी हो तो भी पेंसिल दिख रही है? कहाँ पे दिखेगी पेंसिल? नीचे जहाँ पे म्यूट बटन है ना उसके ऊपर दिखाई देगी। अगर आप स्क्रीन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे जहाँ पे सर की स्क्रीन दिख रही है वहां पे आप जाइए, उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाइए तो म्यूट बटन के ऊपर पेंसिल दिखाई देगी। मैंने फुल करने की कोशिश की तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। डबल स्क्रीन हो गया, डबल स्क्रीन फुल स्क्रीन हो गया, सॉरी नहीं फुल स्क्रीन नहीं हुआ आपका। नहीं। डबल टैप कीजिए, जो सर का स्क्रीन है उसको डबल टैप कीजिए। तो मैं ही दिख रही हूँ उसमें? नहीं खुद को डबल टैप नहीं करना था, आपने को अपने आप को डबल टैप करना अभी तो। हाँ ये वो उनको भी आ गया है समझ। आप अपनी स्क्रीन को डबल टैप मत करिए, सर वाली स्क्रीन को कीजिए। जो शेयर वाली स्क्रीन? हाँ एग्जैक्टली हो गया, फुल हो गया। तो शेयर स्क्रीन थी वो हुई है फुल। हाँ ठीक है, अब नीचे आपको पेंसिल दिखाई दे रही है जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ हाँ दिखाई पड़ी। उस पेंसिल को सिलेक्ट कर लीजिए, ये आशीष जी हटा दो आप। हाँ वो डिलीट दबा देंगे तो हो जाएगा, वो साइड में क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। ये वाला मैं बता रही थी, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? ये वाला ये फ्लैग बन सकता है? हाँ हाँ ये बन सकता है। हाँ मैं बताता हूँ, ये बन सकता है, परंतु यही होगा ना आगे आते हमको एक और अच्छा पैटर्न मिल गया जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो इसलिए मैंने ये नहीं बनाया, लेकिन बन सकता है ये। तो इसके हिसाब से भी ले सकते हैं ना? हाँ, अगर हमें ट्रेड कर, हाँ ले सकते हैं। इसको एक बार हटाइए, अपने रेखाओं को हटाइए, मैं बताता हूँ। साइड में डिलीट ऑप्शन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए। डिलीट दिख रहा है? देखना पड़ेगा हम लोग, मैं इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपके साइड में एक पैनल खुल गया होगा पूरा का पूरा, लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें एक इसमें दिख गया। हाँ हाँ हुआ? कोशिश कर रही हूँ। नहीं उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नीचे एक डिलीट बटन है, उस ऑटोमेटिकली सारी डिलीट हो जाएगी। नहीं हो ही नहीं रहा। अच्छा आपको पैनल पे सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? चलो मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है ओके। चलिए तो अब ये बिल्कुल बन रहा है। अगर मैंने बाकी पुराने वाले बैनर हटा दिए, पोल हटा दिए, तो ये एक पोल है और उसके बाद यहां पे एक बैनर बना। अब इसको हम दैनिक चार्ट पे देख लेते हैं, तो दैनिक चार्ट पे ये पोल दिख रहा है और इसके बाद अगर हम बैनर को अच्छी तरह बनाएं तो ये यहां से शुरू हुआ और ये अगर रेखा अच्छी तरह बना दें तो ये यहां पर है, तो ब्रेकआउट कहीं यहां पे हुआ, ये समझ लीजिए 28 मार्च को हुआ ब्रेकआउट।
परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको कोई अच्छी कैंडल मिली नहीं जो हमको बता सकती थी कि ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया। तो हमने इंतजार किया और कोई कैंडल हमको अच्छी मिली नहीं, तो हम रुक गए। और जब हम रुके तो ये एक अच्छी कैंडल मिली जिसने एक दूसरा बना दिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो वैसे तो बन रहा है, तो वही है कि जब हम देखते हैं तो कई बार दो तीन चीजें हमको दिख जाती हैं, फिर हम देखते हैं कि उन दो तीन चीजों में से हमको बेस्ट क्या लेना चाहिए। तो अब एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप दोनों को पैटर्न समझ में आ रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो अगर पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे तो फिर ट्रेड भी लिया जाएगा। तो उसमें ट्रेड लेना तो एक छोटी चीज है, ट्रेड लेने का डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन आपको रखना है, एक अनुशासन बना के रखना है कि मैंने ट्रेड कब लेना है, एक जो हमने P4 प्रोसेस लिया हुआ है कि उसी पे लेना है हमने और उससे पहले नहीं लेना है। तो अगर वो अनुशासन बना के रखेंगे, पैटर्न आपको दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए अगला, निखिल के तो सारे हो गए, निखिल के तीन स्टॉक हो गए। एक और है, मेरे को फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी वीकली एंड डेली दोनों में मेरे को फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, देखते हैं तो ये डेली देख लेते हैं। तो अभी हाँ वही बन रहा है, ये हमारा पोल हो गया और उसके बाद ये समझ लेते हैं, ये यहां से नीचे आया है, परंतु हम यहाँ पे लाइन ठीक तरह नहीं बना सकते क्योंकि हमको दो लाइन बनाने के लिए बिल्कुल ये चाहिए। वैसे तो ये कैंडल बड़ी अच्छी कैंडल है, ये जो 30 अप्रैल की कैंडल है ये बहुत बड़ी अच्छी है। तो इसका तरीका ये है, क्योंकि हमको यहाँ पे कैंडल कम दिख रही है, इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे आर्ली चार्ट पे चले जाएं। तो आर्ली चार्ट पे जब जाते हैं तो अब यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें कि ये बन रहा है क्या, तो यहाँ पे अगर हम इसको बैनर को इस तरह से बनाएं और उसके बाद ये वाली जो आर्ली कैंडल है तो इसने ब्रेकआउट दिया है। ये आर्ली कैंडल है 30 अप्रैल की सुबह की 9:15 की, तो ये करीब करीब 3.5% की कैंडल है और वॉल्यूम भी इसकी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। तो किसी ने 30 अप्रैल की सुबह ये अगर ट्रेड ले लिया होता तो उसके लिए भी अच्छा था। और अब ये भी अगर इसको आर्ली चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं तो एक चीज और भी दिख रही है यहाँ पे कि जब ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो इस कैंडल का टॉप ये था और उसके ऊपर गया, वापस आया और उसने आर्ली चार्ट पे पुल बैक हुआ और उसके बाद आर्ली चार्ट पे फिर से बाउंस कर गया। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो अगर किसी ने यहां पे ले लिया था सुबह तो भी ठीक है, किसी ने नहीं लिया था 30 अप्रैल की अंत में ले लिया था वो भी ठीक है, मतलब 30 अप्रैल जहां पे भी खत्म हो रही है वहां ले लिया था तो वो भी ठीक है। नहीं लिया किसी ने उसके बाद आते हुए 3 मई को ले लिया, मतलब आज के दिन ले लिया तो भी ठीक है, तो ये बढ़िया है। अब क्योंकि ये फ्लैग, इसको वापस दैनिक चार्ट पर चलते हैं, तो अगर इसका हम टारगेट निकाले तो ये पोल की लेंथ हम ऊपर डाल सकते हैं। तो पोल की लेंथ काफी बड़ी है, करीब करीब जो मेरे को वैसे ही समझ में आ रहा है 460 से 618, तो मतलब करीब करीब 150 रुपए या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो 150 रुपए का टारगेट है ऊपर। और हमारा रिस्क है वो बहुत ही कम है, रिस्क मतलब इस कैंडल का लो ले लेते हैं या उससे थोड़ा सा भी कम भी ले सकते हैं, मतलब 600 रुपए का ले लेते हैं। और अभी जो भाव है 640 रुपए है, 640 और 600, तो 40 रुपए का हमारा रिस्क है और 150 रुपए का रिवॉर्ड है। तो आज की डेट में भी ये बढ़िया ट्रेड है, मतलब अगर आज किसी ने नहीं लिया तो सोमवार को ले तो बढ़िया ट्रेड है। वीकली देखना है इसका, वीकली भी देख लेते हैं। वीकली में मेरे को सिमिलर मतलब फ्लैग ही लगा। हाँ तो अच्छा इसमें ना एक काम और करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा चार्ट मेरे को लग रहा है, ये सारी रेखाएं हटा देते हैं इसकी, एक बार जल्दी से मासिक भी देख लेते हैं। तो ये सब ऊपर ही चल रहा है अभी, तो अब ट्रेंड में ही है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये तो। और
ये भी अप ट्रेंड में चल रहा है और हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, वो भी सब बढ़िया है इसमें। अगर हम इसमें मूविंग एवरेजेस डाल दें तो वीकली में जो है वो तो अच्छी तरह दिख रहा है, लेकिन वही है कि फ्लैग जो बैनर है वो नहीं दिख रहा है। तो बस वैसे दिख रहा है, पर अभी हमने ये मूविंग एवरेजेस डाल दिए हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं इसको, और डेली चार्ट पे देखें तो ये कैंडल बहुत ही अच्छी जगह बनी है। ये 30 अप्रैल की कैंडल बहुत अच्छी जगह बनी है। हमने क्या चर्चा करी थी कल कि अगर कोई अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है और वो नीचे आता है और मूविंग एवरेज से बाउंस करता है तो वहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये फ्लैग बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर आपको नहीं भी दिखता और मूविंग एवरेज लगाई हुई है और मूविंग एवरेज से यहां पे बाउंस किया 30 अप्रैल को और बढ़िया कैंडल बनी है 4.5% की है, थोड़ी सी मानव कैंडल से बोल सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा है पर चल जाएगा। वॉल्यूम अच्छी है इसकी, मूविंग एवरेज पे बाउंस किया है, 20-day मूविंग एवरेज पे बाउंस किया है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। तो इसको चाहे आप फ्लैग पैटर्न का जो हम 150 रुपए 160 रुपए का टारगेट मान रहे थे उसको भी छोड़ दें और सिर्फ मूविंग एवरेज पे काम करें तो आप इसमें कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। चलिए इस पे कोई प्रश्न?